जो खबर इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल हो रही है वो ये है, और आखिरकार वीटो पावर का इंतजार खत्म हो गया। वो चीन जो भारत को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने से रोकता था, चीन भी कोने में रोता हुआ दिखाई दे रहा है और भारत को अब यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर भारत परमानेंट रिप्रेजेंटेशन हासिल कर लेता है इस्लामिक काउंसिल में तो उसके पास वीटो की पावर होगी और फिर हमें कश्मीर को भूल जाना पड़ेगा। बिल्कुल यूएनएससी जब वीटो पावर देने के लिए अग्री कर गया, साइन जो है सिग्नेचर्स काफी सारे हो गए जिसमें से 193 कंट्रीज में 180 कंट्रीज ने डायरेक्ट साइन किया है कि हाँ भारत को वीटो पावर मिलना चाहिए। इन अरब ममालिक में से हर मुल्क जो है वो सपोर्ट कर रहा है इंडिया की परमानेंट सीट में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सपोर्ट कर रहा है। So, क्या हम कह सकते हैं कि अब दोस्त ममालिक ने भी हाथ खींच लिया? तो एजेंडा बड़ा वसी था जिसमें आप कह सकते हैं कि हर चीज ही शामिल थी। सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि इंडिया इस टाइम दुनिया का तीसरा बड़ा पावरफुल कंट्री बन चुका है। साथ ही साथ अगर सिंगापुर के डिप्लोमेट की बात करें, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट को इंडिया को जगह देनी चाहिए। अमेरिका के लिए इस वक्त टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है चाइना को इनसर्कल करना एंड इंडिया इज द बिगेस्ट ऑप्शन टू देम। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय अमेरिका में यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग चल रही है और अगर आप में से कई लोग सोच रहे हैं कि आखिर यूएन की हर मीटिंग या डिबेट अमेरिका में ही हर साल क्यों होता है, तो उसकी वजह यह है कि यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका के अंदर ही है। लेकिन इस दफ़ा यूनाइटेड नेशंस में काफ़ी हलचल मची है जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर साहब ने जो भाषण दिया है और उसकी बजाय आप जानते हैं कि भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि इंडिया यूएन का परमानेंट मेंबर बने। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर उससे क्या होगा। तो अगर आप ये सोचें कि दुनिया एक कंपनी है तो जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं उनको आप मान सकते हैं परमानेंट मेंबर्स, जिनके फैसले को जो कंपनी के जो दूसरे कर्मचारी होते हैं उनको मानने पड़ते हैं। अगर वो नहीं मानते तो वो कंपनी से निकाल दिए जाते हैं या फिर उनकी कोई कंपनी में वैल्यू नहीं दी जाती है या फिर उनकी प्रमोशन रोक दी जाती है। तो यही वजह है कि इंडिया लगातार उस मैनेजमेंट में घुसने की कोशिश कर रहा है, यानी कि परमानेंट मेंबरशिप पाने की कोशिश कर रहा है। में भारत को अब बहुत बड़ी सफलता मिल रही है कि दुनिया के अधिकतर देश अब भारत के पक्ष में आ रहे हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। आखिरकार वीटो पावर का इंतजार खत्म हो गया और वो चीन जो भारत को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने से रोकता था, आज उसी चीन के ऊपर अमेरिका और रशिया टूट पड़े हैं और चीन भी एक कोने में रोता हुआ दिखाई दे रहा है और भारत को अब यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। हो सकता है कि विद इन द मंथ, हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ, लेकिन ये बहुत जल्द होने वाला है। भारत यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने वाला है। डिटेल क्या है और कहते ना कि कितनी बड़ी ये ब्रेकिंग न्यूज है, इसके लिए हमारे शो पर मौजूद है नाज़िया अली खान। भारत ने फिर से खुद को पहचान विश्व गुरु की दे दी और जिस हिसाब से अमेरिका रूस ने भारत को वीटो मिलने के लिए जो सपोर्ट किया है उससे कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में अब ये तो एंटर कर चुका है कि भाई अमेरिका भारत के खिलाफ तो नहीं जा सकता। तो जो लोग जैसे चाइना, जैसे पाकिस्तान एक र्यूमर स्प्रेड करने की कोशिश में लगे हुए थे, जैसे हमारे भारत के कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन भी एक र्यूमर स्प्रेड करने की कोशिश में लगे हुए थे कि अमेरिका जो है वो धीरे धीरे अब भारत से जो है ना दुश्मनी करने की कोशिश कर रहा है। अब आता है ऐसा क्या हो गया कि आपके आखा चाइना रो पड़े? 3 मिनट की स्पीच मोदी जी की, वो इतनी वार्म्थ, इतनी ब्राइट स्पीच थी, मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन कि पूरी दुनिया सत्ते में चली गई। अच्छा। कि भाई ये आदमी किस तरह से क्रिस्टल क्लियर बात करता है। आप सोचो कि यूएनएससी जो है 1945 में एस्टैब्लिश हुआ था और 1946 से लेकर के भारत देश में जितनी भी प्रधानमंत्री रहे सबने कोशिश की कि वीटो पावर हमें मिले, हमारे देश को वीटो पावर मिले, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। लेकिन 10.5 साल में भारत आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतना खूबसूरत, इतना चार्मफुल और सारी चीजों को इतना बैलेंस लेकर के चले और इकोनॉमिकली अपने आप को जो थर्ड पोजीशन पर उन्होंने पहुंचाया कि भाई यूएन भी मजबूर हो गया कि भाई इनको तो देना बनता है वीटो
पावर, यूएन और यूएनएससी, यूएनएससी जब वीटो पावर देने के लिए अग्री कर गया, साइन जो है सिग्नेचर्स काफी सारे हो गए। अच्छा, हालांकि शैला ये समझने की बहुत जरूरत है कि 193 कंट्रीज का सिग्नेचर लगता है अगर किसी एक नए कंट्री को वीटो पावर मिलता है, जिसमें से 193 कंट्रीज में 180 कंट्रीज ने डायरेक्ट साइन किया है कि हाँ भारत को वीटो पावर मिलना चाहिए। भाई 10.5 साल में ये मिरेकल कैसे हो गया? अब कुछ लोग बोलते हैं अंबानी ने मिरेकल करवा दिया, अडानी ने मिरेकल करवा दिया। नहीं भैया, इन्होंने कुछ नहीं करवाया है। भारत इज हैविंग स्ट्रॉन्ग मेक इन इंडिया पावर, सबको पता है। भारत इज हैविंग स्ट्रॉन्ग डिफेंस पावर, भारत इज हैविंग स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर। हमारा मिलिट्री सिस्टम जो इतना खूबसूरत बन चुका, हमारा डिफेंस चौथे पोजिशन पर आ चुका। हम अभी अभी इस वक्त जो है, अगर आप इंडिया डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस इज ग्रोइंग लाइक नेवर बिफोर। अब भारत ने क्या किया है, अब रशिया और जापान को पास ओवर करके थर्ड पोजीशन पर भारत पहुंचा। अगर एशिया पावर इंडेक्स 2024 को अगर हम पढ़ते हैं, जो भारत नहीं निकालता है भैया, मैं पहले क्लियर कर देती हूँ, इसमें यूएस आ रहा है, उसके बाद चाइना आ रहा है, उसके बाद इंडिया आ जा रहा है, उसके बाद जापान आ रहा है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, उसके बाद रशिया आ रहा है। तो जो डिफेंस मिलिट्री और पावर और मेक इन इंडिया का पावर था, वही एक्चुअली में, तो ये सारी चीजें जो है वो अब हमारे भारत देश को इतना ज्यादा शाला स्ट्रॉन्ग कर चुका है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर चुका है। और पाकिस्तान का स्टांस ये है कि भारत इस वजह से वीटो चाहता है क्योंकि वो कश्मीर चाहता है। अगर भारत के पास वीटो आ जाता तो फिर तो कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशन से हमेशा हमेशा के लिए एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए, इसके अंदर ये सवाल किया जाए कि पाकिस्तान क्यों नहीं, पाकिस्तान को भी वीटो मेंबर बनाया जाए। तो देखें, पहली बात तो ये कि वीटो मेंबर बनने के लिए दुनिया की बड़ी पावर बनना पड़ता है। तो पाकिस्तान तो उस वक्त बन सकता है वीटो मेंबर जब वो इतनी बड़ी पावर बन जाए। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, वो कहते हैं हमें लियाकत का करते थे, बड़ी नाजुक सूरत हाल है। वो इसलिए है कि जब ये बात कही जा रही है कि इंडिया को वीटो का हक हो, इंडिया परमानेंट सीट उसको वहां पर मिले, तो अगर इंडिया को नेक्स्ट 1 or 2 years में ये हो जाता है और इंडिया को ये राइट मिल जाता है, क्योंकि इंडिया ने इस सिलसिले में अपनी कोशिशें बहुत तेज कर दी हैं। देखिए ना, अब इसके अंदर अगर कोई ये कह रहा है कि ये भारत के कहने पर इन्होंने कहा है या सपोर्ट किया है, उनको सपोर्ट करने के लिए किसी ने कहा है, व्हाटएवर, जो भी है, कह तो रहा है ना, आवाज तो उठ रही है, तो इंडिया की ये अपनी एफर्ट वो बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, सिर्फ किसी को कहने की क्या जरूरत, वो तो उनके डॉक्टर जयशंकर कई बार कह चुके हैं और उनके प्राइम मिनिस्टर भी नरेंद्र मोदी साहब भी कई बार इसके ऊपर कह चुके हैं। तो ये चीजें तो उनकी अपनी तरफ से खुल के चलती रहती हैं, इसके ऊपर बाकायदा वो फाइट कर रहे हैं, जो उनकी स्टेटमेंट्स आती हैं। तो दुनिया के जो उनको सपोर्ट करेगा वो बोलेगा, वो कहेगा ऐसे ही होता है। देखिए, लॉबिंग जो है वो तो ऐसे ही होती है।